नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केलकर, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए। इसमें हम आज हिस्टेरिया या कन्वर्जन डिसऑर्डर पे बात करेंगे। हिस्टेरिया, ये वर्ड हिस्टर ये शब्द से आया है। हिस्टर का मतलब होता है औरतों की बच्चेदानी, और ऐसा माना जाता था कि औरतों में जो अजीब अजीब भाव होते हैं या अजीब अजीब हरकतें औरतें करती हैं, वो जैसे कि चक्कर आना, जोरों से चिल्लाना, या फिर रोना, या फिर चक्कर आना, तो ये सब जो हो रहा है औरतों में, ये जो बच्चेदानी है वो पेट में घूमती है, इसकी वजह से होता है, इसलिए उसको हिस्टेरिया ये नाम दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसमें स्टडीज हुई, उसमें पता चला कि एक्चुअली हिस्टेरिया ये मानसिक तकलीफ है, और ये औरतों को ही नहीं, ये मर्दों को हो सकती है, बच्चों को हो सकती है, बूढ़ों को हो सकती है। इसे कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। अगर हमारा मानसिक तनाव कन्वर्ट हो रहा है फिजिकल स्ट्रेस में या फिजिकल प्रेजेंटेशन में, तो उसको कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक शादी में मैं गई थी। वहां शादी के बाद लड़की वालों के तरफ से और लड़कों वालों के तरफ से जो लोग थे, उनमें कुछ कहा सुनी हो रही थी। अचानक से वो लड़की को चक्कर आ गया, वो बेहोश हो गई। अब वहां वो झगड़ा रुक गया और सब वो लड़की की तरफ अटेंशन लड़की को मिल गया। वैसे ही मुझे पता चला कि वो लड़की जो थी, उसको हर बार जब भी घर में कुछ झगड़े होते हो या उसको लेकर झगड़े हो रहे हो, तो उसे ये चक्कर आता था और वो बेहोश हो जाती थी। इससे क्या होता था कि वो जो है उसे बोलना बंद कर देते थे, उसका स्ट्रेस कम हो जाता था, और वो बात वहीं रुक जाती थी, यानी उसको उसमें से फायदा था, गेन्स थे। जनरली ये देखा गया है कि जो लोग अपनी बात नहीं रख सकते, या जो लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो लोग मन से कमज़ोर है, या लोगों को दूसरों पे हावी होना है, या कोई स्ट्रेस है, या अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उन लोगों में ये प्रॉब्लम होता है। जो अटेंशन सीकर्स हैं, जिनको अटेंशन चाहिए होता है, उन लोगों में ये प्रॉब्लम होता है। मैं आपको एक दो तीन उदाहरण देती हूँ, जिससे आपको और इसके बारे में जानकारी मिलेगी। एक मेरे पास लड़की आई, स्टूडेंट थी, 13-14 साल की, अपने पेरेंट्स के साथ आई, और उसके पेरेंट्स का ये कहना था कि उसका आवाज कुछ दिनों के लिए चला जाता है, वो निगल नहीं पाती है, वो खा नहीं पाती है, और फिर 2-3 दिनों बाद वापस नॉर्मल हो जाती है। सब टेस्ट हो गए, ENT सर्जन्स हो गए, बड़े से बड़े डॉक्टर हो गए, सब ने यही बोला कि सब नॉर्मल है, और आप इसको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, और आप डॉक्टर को दिखाइए, साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। फिर वो मेरे पास आए, वो लड़की से मैंने बात किया, उसके पेरेंट्स से मैंने बात किया। जब वो लड़की से मैंने बात किया, तब मुझे पता चला कि उसको ओरल टेस्ट का फोबिया है, वो डरती है। जब भी ओरल टेस्ट स्कूल में होती है, या फिर उसको कुछ रीडिंग टेस्ट होती है, उसको कुछ रीड करने को टीचर बोलती है, तो उसको उसकी आवाज़ चले जाती है। दूसरा उदाहरण है, एक मैंने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मुझे कॉल आया, वो कॉल अटेंड करने के लिए मैं गई, तो एक न्यूली मैरिड लड़की थी, एक 24-25 साल की, उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे, उसको पैरालिसिस हो गया था। डॉक्टर ने सब टेस्ट कर लिए, सब डॉक्टर्स ने देख लिया, और सब नॉर्मल था। फिर डॉक्टर्स ने ऐसा डिसाइड किया कि साइकेट्रिस्ट को ये दिखाना चाहिए, शायद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। जब मैंने उस लड़की का पूरा इंटरव्यू लिया, उससे सब बात किया, जब रिलेटिव से बात किया, तब मुझे पता चला कि वो लड़की जो है वो पढ़ी लिखी है, और उसने कभी घर का काम नहीं किया है। शादी के बाद जब वो ससुराल आई, तो उसको काफ़ी काम करना पड़ता है, दिन में काफ़ी लोग हैं घर में, और अगर उसने काम नहीं किया तो उसकी सास उसे डांटती है, उसे उस पर चिल्लाती है, उसको गाली गलौज करती है, और वो उसे अच्छा नहीं लगता, तो इसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम शुरू हो गया, उसका जो स्ट्रेस है वो ऐसा कन्वर्ट हो गया। तीसरा एक मेरे पास केस आया मेरी OPD में, कि एक
जेंटलमैन थे वो अपने पिताजी को, उनका एज होगा 76-77, उनको लेके मेरे ओपीडी में आए. और उनको ये प्रॉब्लम था कि उनको जोर जोर से वो सांस लेते थे एकदम से, और उनको चक्कर आता था. ये एपिसोड्स में होता था. दो तीन महीनों बाद उनको ये 2-3 दिन ऐसा ये प्रॉब्लम चलता था. अब जो उनसे मैंने वो दादाजी से जब बात किया, तब मुझे पता चला कि वो जो है उनका बेटा रहता है परदेश में, जॉब करता है, वो अपनी बहू और पोते के साथ रहते हैं, और वो दोनों जो है बहू और पोता वो अपने अपने काम में बिजी है. अब इनके इनको देखने के लिए कोई नहीं है घर में. और जब ऐसा कुछ होता है तो सब उनको उनकी देखभाल में लग जाते हैं. उनका बेटा उनको देखने के लिए आ जाता है, तो वो अटेंशन जो चाहिए है उनको, वो उनको मिल जाता है. इसलिए वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर उनका है. अब इसमें और मैं कुछ उदाहरण दूँ तो जिसको हम बोलते हैं कि आग में आना, पोजेशन सिंड्रोम. जैसे देवी आग में आई, माता आग में आई, या भूत आग में आता है, आत्मा आग में आती है, तो ये भी उसके ही प्रकार है. वो औरतें बाल छोड़ के और अजीब सा घूमने लगती है, या जमीन पे लेटती है, या रेंगने लगती है, आवाज निकालती है, अलग अलग भाषाओं में बात करती है, गाली गलौज करती है, आदेश देती है. और फिर ऐसे इसमें वो माता के आवाज में बात करती है, कमांडिंग हो जाती है, और अपने जो मन की भड़ास है वो पूरी निकालती है. ऐसा भी प्रेजेंटेशन मिलता है. लोगों को लगता है कि ये सच में भूत बाधा हो गई है, और वो भगत बाबा को दिखाते हैं और उनसे वो सब निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है. इसके साथ जो किसी किसी का आवाज चला जाता है, जैसे मैंने बोला, आंखों से दिखता नहीं है, दृष्टिहीन हो जाते हैं कुछ समय के लिए, फिर वापस से दृष्टि आ जाती है. उसके साथ हाथ काम नहीं करते हैं, या पैर नहीं काम करते हैं, या कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए बोलिए, या फिर कुछ मिनट्स के लिए बोलिए, जोर जोर से रोना, या जोर जोर से हंसना, या फिर एकदम से स्ट्रेट बैठ जाना. और अगर उनको सुई भी चुबाई, या फिर कुछ ठंडा उन पे आइस भी रख दिया, तो भी उनको कोई सेंसेशंस नहीं होता है. तो ऐसे कुछ एपिसोड्स उनके होते हैं. ये भी सब कन्वर्जन डिसऑर्डर में ही आता है. उसके साथ जो मिर्गी होती है उसके जैसा, यानी सीजर्स के जैसा, फिट्स के जैसा सूडो सीजर होता है, ये भी कन्वर्जन डिसऑर्डर का ही भाग होता है. अब फिट्स में क्या होता है कि फिट ये दिमाग की बीमारी है, ये कोई कन्वर्जन है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है. उसमें प्रॉपर आंखें ऊपर जाती है, या मुंह टेढ़ा हो जाता है, मुंह से झाग आता है, या अजीब ये मुट्ठियाँ बंद हो जाती है, और प्रॉपर ऐसे कुछ बॉडी के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और वो जो चलता है वो 2 या 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा चलता है, उसके ऊपर नहीं चलता है, और कुछ देर के लिए वो आदमी बेहोश हो जाती है, और धीरे धीरे वो होश में आ जाती है. लेकिन जो सूडो सीजर्स है, जो कन्वर्जन का भाग है, उसमें ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं रहता है. उसमें कुछ वो बेहोश होते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है जैसे इसमें टिपिकल जो होता है. और वो ऐसे 2-2 घंटे तक या 3-3 घंटे तक बेहोश होते हैं, इसलिए वो काफी अलग है, और ये मानसिक प्रॉब्लम है. अब इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? तो पहले तो सबसे हमने देखना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है. पेशेंट से बात करके, रिलेटिव से बात करके, एक्चुअली जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो सिचुएशन अगर उनके लाइफ से जा सकती है, या वो स्ट्रेस कम हो सकता है, तो उससे हमने मदद करनी चाहिए. दूसरा कि जो हम प्राइमरी गेन और सेकेंडरी गेन बोल रहे हैं, कि पेशेंट को प्राइमरी गेन है कि उसका स्ट्रेस कम हो जाता है, या उसकी बात वो मनवा देता है, और सेकेंडरी गेन है लोगों का अटेंशन उसकी तरफ आ जाता है. लोग उसको लेके, यानी रिलेटिव्स उसको लेके ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, ओवर केयरिंग हो जाते हैं, और सब ध्यान वो उसको मिलता है. तो ये जो गेन्स है वो हमने कट करने चाहिए. रिलेटिव्स को ये समझाना चाहिए कि ये जो है ये साइकेट्री प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, और ये पूरी तरह ठीक हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ आपको करना पड़ेगा. काफ़ी देखा गया है कि रिलेटिव्स ये मानने को ही रेडी नहीं रहते कि ये मानसिक तकलीफ है, और उनका कुछ तो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि ये नाटक कर रही है. लेकिन ऐसा नहीं है, ये नाटक नहीं है,
ये एक टाइप का प्रेजेंटेशन है, तो ये हमने उनको समझाना चाहिए। इसके साथ अगर उनको स्ट्रेस है या फिर एंजाइटी है या फिर उसको रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन है, तो उसकी ट्रीटमेंट जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी मेडिसिन स्ट्रेस कम करने के लिए देना चाहिए। उसके साथ इंडिविजुअल काउंसलिंग और रिलैक्सेशन थेरेपी, अगर ये सब कुछ हो गया, वो स्टेबल हो गए, कि उसके बाद रिलैक्सेशन थेरेपी हमने देनी चाहिए, हिप्नोथेरेपी देनी चाहिए, जिससे ये जो उनके सबकॉन्शियस माइंड को हमने कुछ कमांड्स देने हैं, कुछ सजेशंस देने हैं, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये था कन्वर्जन डिसऑर्डर यानी हिस्टीरिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी। मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए, इसका उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साइकेट्री यानी मानसिक बीमारियों के बारे में या मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी पहुंचे, सही जानकारी पहुंचे। इसलिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में जो गलत फहमी है साइकेट्री को लेके वो कम हो जाए और सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। अगर आपको इस बीमारी के बारे में या इस टॉपिक के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए हो, तो आप हमारे केळकर तुरणकर साइकेट्री नर्सिंग होम के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9503309619। नमस्ते।